साना साना हाथ जोड़ी बाय मधु कांकरिया, इसकी रीडिंग आज कर रहे हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराइयों पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतिंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौसेली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद हम आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी और ना ही दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे मुझे बता रहा था क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, चलिए तो जगह जगह गदराए पाइन और थूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी जहाँ कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है और ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, लेकिन वो रंगीन होते हैं। नारगे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगे दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यह गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी तिब्बत के चीस के बप्सन में। लेपचाओं के शोमेन से कुंस्तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद ये देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियाँ पीछे छूटने लगे।
अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भुरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते नेपाली बहादुर ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप और वैभव के सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थानियों का काम्य हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा विशाल होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगीं, वादियां चौड़ी होने लगीं, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकालकर मैंने आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बड़ी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नागपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के ऊपर शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक पहचाना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तमाम सिकताएँ और दुष्ट वासनाएँ इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसी ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर मुझे जितेन ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों से देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों की छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उड़ती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल,
मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेती प्रियता और उड़े डंडरों के फूलों सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए। चरई वेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इन बिखरे सौंदर्यों से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह थी, सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़े कि तभी एक अतिंद्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी, गुंदे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधे डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी फूलों वादियों और झरनों के बीच भूख मौत दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा यह क्या हो रहा है, तो उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया और कहने लगा पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट के सी चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े बड़े जालों में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठा कर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया कि इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था एवर वंडर्ड हु डिसाइडेड टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताजुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर एक एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं जीवन के प्रति संतुलन भी है, ये वेस्ट एट ट्रिपिंग है, कितना कम लेकर ये समाज को इतना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किस बात पर इतना खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था।